Let us continue the lesson. Albert Einstein at school, page number 27. Middle paragraph, apart from. Continuation of the lesson, Albert Einstein at school. Page number 27, middle paragraph, apart from. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop, that we have seen in the last class. That wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. Wailing means weep. Rona. That wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in the house. इसकी जो आवाज़ है ना, मुझे बुरा लगता है. और दूसरी तो घर पे वैसे तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, विथ ऑल द किड्स आउलिंग, सारे बच्चे चिल्लाते रहते, रोते रहते. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. But he decided it was better to say nothing. उसको बोलने तो आया था, आप ही चिल्लाती रहती हो, लेकिन कंट्रोल किया, बोला ही नहीं. I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich. वो अपने दोस्त से कहा, 6 महीने के अंदर अंदर मैं यहाँ खाली कर दूँगा, मैं चले जाऊँगा यहाँ से. It is absurd that I should go on like this. ये सही नहीं है मेरा यहाँ इस तरह से रहना. In the end, it will turn out. I have been wasting my father's money and everyone's time. पर जब रिजल्ट आएगा तो सभी मुझे दोषी बनाएंगे, तो सबका पैसा बर्बाद करके बस पढ़ने गए, कोई फायदा नहीं हुआ. It will be better for all if I stop now. इससे अच्छा है ना मैं अभी से पढ़ना ही बंद करूँ, तो कोई ब्लेम तो नहीं लगाए. And when What will you do? Yuri asked. फिर क्या करोगे तुम यहाँ से जाने के बाद? I don't know यार. If I go to Milan, I am afraid my father will send me back. अगर मैं मिलन में जाऊँ, पापा मुझे वापस भेजेगा. Unless, बाकी तो बताए नहीं. His eyes gleamed with a sudden idea. तुरंत उसका दिमाग में एक आइडिया है. Yuri, do you know any friendly doctors? तुम्हारा कोई डॉक्टर्स फ्रेंड है? I know a lot of medical students and some of them are friendly. वैसे medical students को मैं जानता हूँ, कुछ लोग मेरा friends भी है, said Yuri. Doctor? No. नहीं, पक्का doctor तो नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों को मैं जानता हूँ. I have never had enough money to go to one. वही doctor के पास जाने का पैसा तो मेरे पास था नहीं, इसलिए कभी जाना ही नहीं हुआ. क्यों पूछ रहे हो? Suppose, said Al, मान लो that I had a nervous breakdown. मेरा nervous breakdown हो गया, means दिमाग में कोई problem आ गए.
सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, हो सकता है डॉक्टर मना करें कि अभी स्कूल मत जाओ एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और आराम से मैं जाने से बच जाऊँ। आई कैंट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। मुझे लगी नहीं रही कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। कोशिश तो कर लेते टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। ऐसा एक डॉक्टर को ढूंढ लेते जो नर्व्स का चिकित्सा करते। देर आर प्लेंटी ऑफ दम, यूरी टोल्ड हिम। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स है। ही हेसिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, unwillingly, I will ask some of the students if they know me. No one. If you like, अगर आप चाहें तो मैं किसी से बात करूँ, मेरे दोस्तों से, किसी ऐसे डॉक्टर को जान ले। Will you? पूछोगे क्या? Thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. सुनते ही उसका आंखें चमकने लगे। वो but you will. वेट ए मोमेंट, आई हैव टू फॉर्म टू वन ईयर। अब इतना जोश में मत आओ, मैंने अभी पूछा है। बट यू विल, लेकिन तो करोगे भी, मुझे मालूम ही, आल्बर्ट ने बोला। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अगर मैं किसी को जानूँ, किसी से बात करूँ, तो मुझे विश्वास नहीं है वो तुम्हारा केस लेगा। ही विल डिक्लेयर, नहीं नहीं नहीं, करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन का असलियत देखने को मिल रहा है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, उसको तो आराम से बस क्लू मिल जाएगा क्योंकि मेरा कंडीशन ही वही है। ही लाफ्ड मेरिली, ये कहकर वो हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्कड यूरी। मैंने कभी तुम्हें ऐसा साधारण रूप में देखा नहीं, हमेशा तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन में ही देखा। ये डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, आल्बर्ट अश्वर्ड हिम। एक दो दिन में वो स्कूल जाऊंगा ना, अपने आप मेरा दिमाग ख़राब हो ही जाएगा। सडनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ द एग्जाम नेक्स्ट। बिल्कुल सही बोला वो। दोबारा उससे मुलाकात किया तो उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल पागल हो गए। आई कैन अंडरस्टैंड इट बाई लॉन्गर ही सेड, स्टैंड इट बेयर, सहना सह नहीं पाते। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। वास्तव में मेरा ऐसा कुछ होता तो कोई सा भी डॉक्टर मुझे सपोर्ट करेगा इसे ही। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो फिर ऐसा कर ले, नाटक करना, मैंने एक डॉक्टर को ढूंढा है। यू हैव, आल्बर्ट फेस लिट अप, हैं कर ली क्या? ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिलूं? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। मैंने अपॉइंटमेंट लिया कल शाम का। यूरी सेड, हियर इज द एड्रेस, योर एड्रेस। He handed Albert a piece of paper. Address लिखा हुआ paper उसको दे दी। Dr. Ernst Weil, is he a specialist in nerves troubles? Asked Albert. ये nerves का चिकित्सा करने वाला डॉक्टर ही है ना, बताओ। Not exactly, Yuri admitted. नहीं, as a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. और बताओ, पिछले हफ्ते डॉक्टर का परीक्षा पूरा करके निकला है। मीन्स ही वॉज ए स्टूडेंट, नाउ ही गॉट पास्ड द कोर्स। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है तुम उसका पहला पेशेंट हो, सोच लो। अगर एक्सपीरियंस है ही नहीं, पढ़ के निकला, पहला पेशेंट तुम, वो भी नर्वस ब्रेकडाउन का। You knew him as a student then. इसका मतलब तुम पहले से जानते हो उसको। I have known Ernst for years. पहले से क्यों, कई सालों से जानता हूँ। Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool. He warned Albert. अरे मान जाओ ना,
डॉक्टर पागल थोड़ी है, तुम तो बस अपने हक में रहो। व्हाट यू मीन, क्या मतलब? डोंट ट्राई टू पुल द वूल्स ओवर हिज आईज। पुल द वूल्स ओवर हिज आईज फ्रेज है, उसका मतलब है डिजीव, धोखा देना। उसको धोखा देने का कोशिश मत करना, दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विथ हिम, उससे सच्चाई बोल। तुम्हें कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन तुम्हें एक सर्टिफिकेट की जरूरत है जिससे मैं स्कूल जाने से बच जाओ। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवन। लेकिन तुम्हारे साथ को जो नहीं है उसका बहाना मत करना भाई। नॉट दैट यू हैड डिसीव्ड एनीवन, यू रियर्डेड। और तूने किसी को धोखा भी नहीं दिया, तो ऐसा मान में रखना। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया का सबसे बेकार झूठा है। लायर मीन्स झूठा। आल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अब जाके डॉक्टर को क्या कहें, अपॉइंटमेंट तो हो ही गया। वहाँ जाके तो झूठ बोलने के लिए मना किया दोस्त ने। सच्चाई बोलना, सच्चाई में क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, फिर क्या बोलूँ। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब मिलने का टाइम आ गया, डॉक्टर की बात आए, कभी होता है ना, जो कोई भी बीमारी नहीं है तो डॉक्टर का नाम सुनते ही बीमारी चढ़ जाता, वैसे इनके साथ भी हुआ। ओके, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वेल ही बिगन। पहुंच गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा होगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आज सर मैं कैसे समझाऊं आपको, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब मेरी परेशानी क्या है, मैं वर्णन कर ही नहीं पा रहा। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विथ ए फ्रेंडली स्माइल। डॉक्टर ने बोला तुम्हें कोशिश करने का जरूरत नहीं है, मुस्कुराते हुए कहा। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी सब कुछ मेरे को बता रखा है। ओ व्हाट डिड ही से, क्या बोला उसने। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। बस डॉक्टर ये समझना है कि बस उसको नर्वस ब्रेकडाउन है, ये मैंने पहले ही बता दिया उसने। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, वो इसलिए तुम्हें उस स्कूल में जाने की इच्छा नहीं है। ओ डियर आल्बर्ट्स फेल्स फेल, ए बाप रे, ये तो जाके बता ही दिया। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पोल खुल गया ना, वाई नॉट, इज़न्ट इट ट्रू देन, फिर सही बात है क्या। यस दैट इज द ट्रबल सर, ना यू विल से देर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आप तो आप बताओगे मेरे को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, आप ये भी कहोगे तो स्कूल जाओ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। नहीं नहीं नहीं, ये सब पहले डिसाइड मत करो। As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that. नहीं, तुम तो वास्तव में नर्वस परेशानी में है, मैं समझ गया। But I haven't told you anything about it, said Albert. Why died? How can you know that? मैंने आपको कुछ कहा तो है नहीं, आपको कैसा पता पड़ गया? Because you would not have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. बताओ, अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम नहीं होता तो मुझसे मिलने तुम नहीं आता। दैट इज़ वाई, ये कारण है। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, व्हाट विल यू डू। मान लो मैंने एक सर्टिफिकेट लिख के दिया तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है,
तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड आल्बर्ट। मैं इटली चले जाऊँ, टू मिलन, मेरे इलाके में, मेरे प्लेस में, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पापा मम्मी है। एंड वाट विल यू डू देयर? तुम क्या करोगे उधर? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ कोई इटालियन कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँ? हाउ कैन यू विदाउट डिप्लोमा? कैसे हो सकता है? डिप्लोमा ही नहीं तुम्हारे पास, कॉलेज वाला कैसे लेंगे? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। मैं मेरे मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा तो कुछ लिख के दे देना मुझे, एंड परगाम दैट विल बी एनफ। वो हो सकता है काफ़ी है, क्योंकि मैथ्स के लिए छोरा बहुत एक्सपर्ट है। आई विल लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच टू स्कूल। जितने लोगों ने मुझे मैथ्स पढ़ाया, सबने स्कूल में सब कुछ सिखा दिया मुझे, एंड ए बिट बोर, उससे भी ज़्यादा। एंड ही आर्डर्ड व्हेन डॉक्टर वेल्ट लुक डाउटफुल, ये बोले ये मैथमेटिक्स टीचर ने सब बताया तो उनको ऐसा लगने लगे, अरे ये तो वास्तव में पागल है। और ये बोल के वो बात वहाँ बंद किया। द रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, रीड द लेसन।